वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने ये ब्लाउज़ पर मेजरमेंट लेके, जैसे 39 इंचेस का जो ब्लाउज़ था उसको, इसके ऊपर मैं मेजरमेंट लेके हमने ये पेपर कटिंग की थी। अब इसको पहले हम, जैसे कि ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है तो पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो पेपर कटिंग हमने की है तो इसको अस्तर पर रख के कैसे कटिंग करते हैं ये देखते हैं। अब यहाँ पर हमने अस्तर को इस तरह से फोल्ड किया है, एक बार फोल्ड करके। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे हमने पहले बैक साइड निकालनी है। पहले हमें बैक साइड निकालते हैं, तो जो गले की साइड होती है वो बंद बाजू में रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी बंद साइड है तो बंद साइड में हम गले की साइड रखते हैं, और ये जो है ये जैसा है वैसे ही पहले मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहे तो गला बाद में भी इसका कट कर सकते हैं। तो हमने ये बैक साइड निकाली है, पहले हम बैक साइड को कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये बैक साइड निकाली है। अभी इसके साइड में, जैसे अब इसके साइड में यहाँ पे हमें ये फ्रंट साइड की रखनी है। यहाँ पे हमें इस तरह से ये फ्रंट साइड रखनी है। अब यहाँ पे हमें जैसा है वैसा ही हमें मार्किंग करनी है। इस तरह से हमने ये मार्किंग किया है, अब इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने ये पहले बैक साइड निकाली थी, उसके बाद हमने ये फ्रंट साइड का एक पार्ट निकाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कपड़े में जैसा भी एडजस्ट होगा वहाँ पे हमें कटोरी रखनी है। फिर यहाँ पे हमें इसको, जैसे हमने मार्किंग किया हुआ है उसी तरह से हमें इसको कट करना है। इस तरह से हमने ये कटोरी की कटिंग की है। अब इस साइड में हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे। क्रॉस पट्टी हमें 4 इंच की चाहिए।
11 इंच पे हम इस तरह से इसको मार्किंग करेंगे और यहाँ पे हमें 3 इंच लेना है। 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और क्रॉस पट्टी का जो शेप है उसको हम इस तरह से अभी कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये क्रॉस पट्टी निकाली है। अभी यहाँ पे हमें बाजू को इस तरह से रखना है। और उसको मार्किंग करनी है। जैसे हमने इसकी मार्किंग की थी उसी तरह से हम इसकी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये स्लीव्स की कटिंग की है। जैसे ये हमने पेपर कटिंग की थी उसको हमने अस्तर पे कैसे रख के कटिंग करनी थी ये मैंने आपको दिखाई है, तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको अगले वीडियो में दिखाती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।